नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। से प्रभावित ग्रामीणों ने सीओ मुर्दाबाद के लगाए नारे। केसरिया प्रखंड में लगातार हुई बारिश से गंडक नदी में हुए जलस्तर में वृद्धि के कारण एक बार फिर से डेकहा व कढ़ान पंचायत के अधिकांश भाग पुनः बाढ़ से प्रभावित हो चुका है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। वहीं कई ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय सीओ हम लोगों की बात सुनते ही नहीं है। अभी तक एक भी पदाधिकारी हम लोगों का हाल जानने नहीं पहुंचा है। पूछने पर सीओ के द्वारा कुछ भी आश्वासन नहीं दिया जाता है। गांव के मुखिया अजीत कुमार सिंह के सौजन्य से हम गांव वालों के आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। हम लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से हम लोग गाइड बांध पर शरण लेकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वहीं पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय अंचल प्रशासन को काम करने का अनुभव नहीं है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि से ढंग से बात करने का सलीका है। एक दिन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा नहीं लिया गया। वहीं सीओ के खिलाफ बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और सीओ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बाढ़ आया है, इस पर कुछ बोलिए। तो बाढ़ बहुत भयंकर है, चार दिन से यहाँ पर पानी पूरा फूल है, आज पूरा घट रहा है। सीओ को चार दिन पहले ही सूचना दिया गया, लेकिन उसका कोई स्टाफ नहीं आया। परसों कर्मचारी आए 10 बजे, हमने सीओ से पूछा कि शाम को कि कोई ऐसी राहत का जब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कर्मचारी हमको रिपोर्ट नहीं दिया। हम बोले कि पदाधिकारी लोग बाढ़ आता है तो स्वतः आ जाता है, यहाँ देखकर काम करने लगता है, और आप पूछते हैं कर्मचारी अगर रिपोर्ट नहीं देगा तो इसी तरह लोग ऐसी रहेगा, आपका कर्मचारी रिपोर्ट नहीं देगा तो हमारे पास और भी काम है। तो हम कहे कि ठीक है, आप आपदा छोड़ दीजिए। कल हम SDO साहब को फ़ोन किए थे और अनिल चौधरी जो ADM है आपदा का, उनको भी हम सारी बात की जानकारी दिए, लेकिन अभी तक कोई माने राहत का यहाँ नहीं हुआ है। हम अपने पैसा से 7-8 गो नाव चलवा रहे हैं। लोग ऐसा किया है कि पिछले जो बाढ़ आया था उसमें कोई नावी का भुगतान अभी तक नहीं करा है। यही हम नाजी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि सीओ कह रहे हैं कि गैर कानूनी चला है। तो गैर कानूनी कैसे चला है? पिछला सीओ ने उसका लॉग बुक खोला है, उस आधार पर वो चलाया है, तो ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करना तो ब्लॉक की जिम्मेवारी है, अंचल की जिम्मेवारी है, इसमें नावी का क्या दोष है? जिसके चलते नाव भी नहीं मिल रहा है, तो अपने पैसे से हम चलवा रहे हैं चार दिन से नाव। यही स्थिति है। बाढ़ से कितना घर प्रभावित होगा? बाढ़ से तो 8 वार्ड प्रभावित है। 8 वार्ड में लगभग 2000 घर प्रभावित। अभी तक सीओ द्वारा राहत सामग्री कोई काम नहीं हुआ है, केवल हम अपने स्तर से नाव चलवा रहे हैं। आपका नाम? राजकिशोर साहब। क्या मतलब क्या समस्या? समस्या है की आज 5 से 6-7 दिन से यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, अभी तक में सीओ नहीं आए। मुखिया जी अपने स्तर से डेंगू चलवा रहे हैं, अपने पैसा देकर लोगों को अपने स्तर से लोग काम कर रहे हैं यहाँ, और लोग अभी तक ले यहाँ देखने भी नहीं आए। सीओ साहब को इसकी जानकारी दी है? जी, जानकारी जो बोल रहे हैं कि हमारा 100 गो काम है, हम यहाँ पर नहीं आएंगे, ढेका में नहीं आएंगे, ढेका पंचायत, और लोग अभी तक ले आए, एक आदमी नहीं। सीओ ही एक समस्या हो गया है। पूर्व में सीओ लोग आते थे, देख कर अपना काम करते थे, सीओ ही एक समस्या हो गया है अंचल के लिए। उसके ना स्टाफ से किसी को पटरी है, स्टाफ और उसमें द्वंद्व युद्ध चल रहा है। ये रिपोर्ट कर रहा है स्टाफ के खिलाफ में जिला को, और स्टाफ इसके खिलाफ में आवेदन दे रहा है DM को। इसी में सब मामला गबड़ा गया। ये सब न तालमेल है, न कोई नियम कानून है। हम लोग अनुसरण से बैठक करके जो सूची दिए हैं उसका बाकी है। 600-700 परिवार को पैसा नहीं मिला, ये सब कौन रिजेक्ट सूची हम लोग को भेजता है? उसमें दूसरे पंचायत का नाम है, दूसरे जगह का नाम है, कहीं पति के जगह पिता का नाम है। अब हम लोग को समझे में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। अभी तक 600-700 परिवार हमारे यहाँ यदि बाढ़ राह से वंचित। सीओ द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी कर्मचारी यहाँ आता है गांव के लोगों द्वारा गाली देकर भगा दिया जाता है। क्यों? कितना ही कर्मचारी से आप बात करिए, ऐसा कोई समस्या नहीं है, गलत बोल रहा है जी।
अधिकारी हाथ उठा के सीओ का विरोध कीजिए।